युवा कबड्डी सीरीज मैच नंबर 73 खेला जाएगा सिंध सोनिक्स वर्सेस विजयनगर वीर्स के बीच में। दोनों टीम्स की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, कौन सी टीम का कौन सा प्लेयर अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो अगर देखने आए हो ना तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा। बात करें अगर इस मैच की तो जो दो टीम्स खेल रही है ना, इसमें से भाई एक टीम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और एक टीम थोड़ी वीक है। कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग और किसके ज्यादा प्लेयर लेने, सब कुछ बताने वाला हूं, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। दोनों ही चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन भाई इससे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्त, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहीं पर भाई आपको फाइनल टीम मिलेगी और यहीं पर भाई आपको विनिंग टीम मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। बात करते भाई दोनों टीम्स की, तो यहां पर सबसे पहले भाई दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन्स की और प्लेयर्स की बात करें, उससे पहले एक बार दोनों टीम्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ है इसमें क्या परफॉर्मेंस है। तो भाई देखो, पहले सर्वाइवल राउंड चल रहा था, अब यहाँ पर भाई चैलेंजर राउंड स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर विजयनगर वीर्स अपना पहला मैच जीत के आ रही है। यहाँ पर आप देखिए, एक मैच इन्होंने खेला अभी तक, 11 पॉइंट से भाई इन्होंने मैच विन किया, और टोटल अगर पॉइंट देखो तो 11, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड पॉइंट मिलते भाई फर्स्ट जो राउंड था उसमें से कैरी फॉरवर्ड 5 पॉइंट मिले थे, 6 पॉइंट मैच जीत के टोटल 11 पॉइंट है। वहीं अगर आप देखोगे भाई सिंध सोनिक्स को, तो नंबर 10 पर बनी हुई है, एक मैच खेला और बहुत ही बुरे तरीके से हार के आ रही है। अब अगर बात करें भाई दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन की, तो चलिए भाई यहां से बात करते हैं सबसे पहले सिंध सोनिक्स की, इनकी तरफ से कौन इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, निशांत सुनील चौहान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हालांकि लास्ट मैच में कंप्लीटली फ्लॉप रहा है, ठीक है, बट उससे पहले वाले मैचेस में आप देखिए लगातार दो मैचेस में अच्छा करके आ रहा है। यहाँ पर एवरेज किया, उससे पहले भाई फिर फ्लॉप रहा, फिर यहाँ पर अच्छा किया, इसके अलावा भाई यहाँ पर अच्छा किया, यहाँ पर एवरेज किया, तो अच्छा प्लेयर है आपके लिए, जरूर से आप इन्हें अपनी टीम में बैक कर सकते हो। इसके अलावा विकास विनोद सिंह की बात करें, जीएल मिनीजल में ट्रंप कार्ड पिक रहेगा। बी विनोद सिंह की बात करें तो ये भी आपके लिए जीएल मिनीजल में ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी यहाँ से कोई खेल नहीं रहा है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो किस्मत सिंह आपको नजर आ जाएंगे, यहां पर आप देखिए लास्ट के कुछ मैचेस में इन्होंने अच्छा किया, कुछ मैचेस में फ्लॉप रहे हैं, तो बहुत रिस्की है, बट भाई आपके पास ज्यादा कुछ सिंध सोनिक्स की तरफ से ऑप्शन दिखेंगे नहीं, तो इन्हें भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बाकी यहां से महेंद्र यादव की बात करें तो लास्ट मैच में भाई एकमात्र प्लेयर था जिसने परफॉर्मेंस दी थी, 3 टच पॉइंट और यहां पर भाई एक टैकल पॉइंट भी निकाला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से भी, आप इन्हें अपनी टीम में एज ए डिफरेंशियल पिक बैक कर सकते हो। बाकी अगर बात करें भाई यहाँ पर सामने मतलब जो रेडिंग सेक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा भाई राजू कुमार सिंह, जो कि लास्ट मैच में एक टच पॉइंट, एक बोनस पॉइंट और एक टैकल निकाल कर आ रहा है, लेकिन सेकंड लास्ट मैच में भाई 12 पॉइंट निकाले थे रेडिंग में, 8 टच पॉइंट प्लस 4 बोनस पॉइंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जरूर से बैक कर सकते हो। आर कुमार को पूरा सीजन निकाल दिया भाई फ्लोप फ्लोप में, अगर आप चाहो तो आप इन्हें बैक कर सकते हो, बाकी मैं तो रिकमेंड करूंगा जीएल मिनीजीएल के लिए। बाकी यहाँ से बलराज की बात करें तो बलराज भाई कंटिन्यू अच्छा कर रहा है, बलराज भाई 101% एक मस्ट हैव पिक की कैटेगरी में फर्स्ट चॉइस पिक रहेगा या आपके लिए सिंध सोनिक्स की तरफ से, तो जरूर आप इन्हें बैक कर सकते हो। ज़्यादा मैचेस भी नहीं खेले, 4 मैच खेले और चारों ही मैचेस में इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस इन्होंने जरूर दिखाई है। बाकी सिंध सोनिक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इनकी टीम लगातार अच्छा कर रही है, लास्ट मैच में नाडी गुडी की बात करें डिसेंट परफॉर्मेंस थी, एक टैकल निकाला था। बाकी आसे बात करें ए कुमार सनेम की, तो इन्होंने भाई डिसेंट परफॉर्मेंस थी, एक टैकल इन्होंने निकाला। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑलराउंडर सेक्शन में चलेंगे, एस तेजावत भाई लास्ट मैच में फ्लॉप रहा और आधी से ज़्यादा दुनिया का सी वी सी था, हमने हालांकि कैप्टन वी सी नहीं दिया, हमने कैप्टन किसे दिया था वो भी आपको बताऊंगा। एस दुगियाला, आर पनोला, आर जोकाला, इन्हें आप जीएल मिनीजीएल में ट्राई कीजिएगा, हमारे कैप्टन थे भाई यहां पर गल्ला राजू, जो कि लास्ट मैच में जैकपॉट लगवा कर आ रहे हैं, 8 टच पॉइंट 2 टैकल पॉइंट इन्होंने निकाले थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जरूर से बैक कीजिएगा। एस मंचाला ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, इन्हें भी आप बैक कर सकते हो। बानोटू की बात करें जीएल मिनीजीएल में इंपॉर्टेंट रहेगा। गणेश रामावत ने भी लास्ट मैच में भाई अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी थी, सुपर 10 लगा
लगाया था, ये भी हमारी टीम में था। आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक का काम यहाँ पर गणेश रामावत जरूर कर सकते हैं। अब अगर बात करें भाई टीम की, तो देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है, सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर विजन अगर वीर से थोड़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सिंध सोनिक्स, तो इन्हीं के फेवर में टीम बनाएंगे। यहाँ से अगर बात करें एस नाडीगुडी, ए कुमार सनीम, दोनों को हम अपनी टीम में रखेंगे। वहीं अगर आप देखोगे ऑलराउंडर सेक्शन में एस तेजावत और किस्मत सिंह, इन दोनों को अपनी टीम में रखेंगे। रेडिंग सेक्शन भाई मैं गल्ला राजू और यहाँ से भाई अपनी टीम में रख रहा हूँ ए बलराज सांगवान को। अब देखिए छह प्लेयर हमने ले लिए, सातवां जो प्लेयर है वो अगर आपको सेफ जाना है तो मंचाला के साथ जाइएगा, बट अगर आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो बानोटू या फिर भाई गणेश रामावत, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कीजिएगा। अभी के लिए मैं बानोटू के साथ जा रहा हूँ। टीम प्रिव्यू आपकी स्क्रीन पर है, सी वी सी की बात कर लेते हैं, कैप्टनसी तेजावत के साथ जाएगी। वीसी की बात करें तो भाई यहां से वीसी में देने वाला हूं या तो ए कुमार सनेम को या फिर यहां से गल्ला राजू को। अगर आप चाहो तो सेफ जाना चाहो तो भाई गल्ला राजू को एज ए सी वीसी लेकर जाइए, मतलब एज ए वीसी लेकर जा सकते हो, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सको तो सनेम को ले सकते हो। अभी के लिए मैं सनेम के साथ जा रहा हूं। टीम प्रिव्यू की बात करें तो वो आपकी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। कोई भी चेंजमेंट होता है, कुछ भी अपडेट आती है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।